अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरे अज़ीज़ मुसलमान बच्चों, बुजुर्गों, जवानों, आज जो इंशाअल्लाह आपको वाकया सुनाऊँगा, 12,000 यहूदी बंदर हो गए। वो कैसे बंदर हुए? किस कौम, किस नबी के पैगंबर के उम्मती थे और उनसे क्या गलती उन्होंने की जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला ने उन्हें ये अजाब दिया। और इसमें हमें दर्स क्या मिलेगा इंशाल्लाह, इस पूरी वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल वाकया और इसमें क्या हमें दर्स मिलता है ये इंशाल्लाह बयान करूँगा। रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी अकबा के पास समुंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार इन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल कर दिया। यानी कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए बताया कि अपनी उम्मत को फरमा दीजिए कि हफ्ते के दिन ये लोग शिकार नहीं करेंगे, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा ये शिकार कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते के दिन अगर ये शिकार करेंगे तो वो इन पर हराम है। अल्लाह ताला ने इन लोगों पर आजमाइश दी थी। हुआ कुछ यूं कि जब वो लोग बाकी दिनों शिकार करने जाते तो मछली दरिया के अंदर इतनी, समुंदर के अंदर इतनी ना होती, लेकिन जब हफ्ते को जाकर देखते तो हफ्ते वाले दिन मछली बेशुमार मछली होती। वो तो एक बेसिकली अल्लाह ताला के एक इम्तिहान था, उन लोगों से ले रहा था। शैतान ने इन लोगों को ये हीला बता दिया कि समुंदर से कुछ नालियां निकाल लो, खुश्की में कुछ हौज बना लो और जब हफ्ते के दिन इन नालियों के ज़रिए मछलियां हौज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो ताकि मछलियां वापस ना जा सकें, और इस दिन शिकार ना करो बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ इन मछलियों को पकड़ लो। इन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी बहुत पसंद आई। जैसे आज अगर कोई हम किसी काम से मना करते हैं, किसी को मना कर दें कि ये काम ना करें, तो कोई ना कोई शैतान बन के अंदर हो जाता है कि शैतान नहीं चाहता कि हम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू जाएं, वो यही चाहता है कि जैसे मेरे ऊपर लानत पड़ी है तो मेरी तरह, कि अल्लाह ताला से उसने वादा लिया है कि या अल्लाह क़यामत तक जितने भी मुसलमान होंगे, जितने भी तेरे लोग होंगे, उनको मैं तुमसे दूर करूँगा, गलत राह पर चलाऊँगा। इन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब नाली मछलियाँ नालियों और हौज में कैद होंगी तो यही इनका शिकार होगा। ये हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो इनके लिए हराम था। इस मौके पर इन यहूदियों के 3 ग्रोह हो गए। नंबर 1, कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के लिए इस शैतानी हीले से मना करते रहे और नाराज होकर शिकारियों से शिकार से बाज आ गए। यानी कि जो पहला ग्रोह बना वो लोगों के अंदर जब ये बात पूरी तरह फैल गई कि हम लोग ये करते हैं, तो पहला जो ग्रोह था उन्होंने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये हीला ठीक नहीं है, उन्होंने शिकार ही छोड़ दिया। और जो दूसरा था, कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और दूसरों को मना करते, के बल्कि मना करने वालों से ये कहते कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त अजाब देने वाला है। यानी कि जो दूसरा ग्रोह उनका बना वो
बुरा जानते लेकिन उनको रोकते ना कि तुम ऐसा काम ना करो, लेकिन जो पहला ग्रोह उन लोगों को मना करता था कि हम ये लोग काम नहीं करेंगे, बल्कि उनको मना करते कि तुम ये ना रोको, जो वो करते हैं उन्हें करते रहने दो, अल्लाह ताला जा उन पर खुद ही अजाब भेजेगा। और जो तीसरा ग्रोह था और कुछ वो सरकश नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की खिलाफ वर्दी की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और इन मछलियों को खाया और बेच भी लिया। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि हम इन लोगों को कोई मेल जोल नहीं करेंगे। चनाचा इन लोगों ने गांव को तकसीम कर के दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदोरफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला, यानी कि जो दीवार गांव वालों ने बनाई थी, आगे शिकार करते थे तो बाहर निकलते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उन वहां से लोगों ने देखा कि उधर से बाहर ही कोई नहीं निकला। तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत बना चुके हैं। अब लोग इन मुजरमों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो ये बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आकर इनके कपड़ों को सूंघते थे और जोर जोर रोते थे, मगर लोग इन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। इन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस मैदान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला ग्रोह हलाक से सलामत रहा। और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाक ना किया। इस वाकया को सूरत बकरा की इस आयत में तर्जमा उसका कुछ यूं है, और बेशक तुम इन लोगों को जानते हो जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए थे, तो हमने कह दिया कि तुम लोग खताकार हो, बंदर हो जाओ। सूरत रऊफ में भी जिसका तर्जमा कुछ यूं है, ऐ रसूल इन यहूदियों से हाल पूछो इस बस्ती का जो दरिया के किनारे थी, जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़े, जब हफ्ते के दिन इनकी मछलियां पानी पर तैरती हुई इनके सामने आईं, और जो दिन हफ्ते का ना होता तो ना आए, इसी तरह हमने इनको आजमाइश में डालते थे इनकी नाफरमानियों के सबब के। और जब इन में से एक ग्रोह ने कहा कि क्यों नसीहत करते हो इन लोगों की जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला, इन्हें सख्त अजाब देने वाला है, तो वो लोग बोले कि तुम्हारे रब के हजूर अदब करने के लिए, इसलिए भी कि शायद ये डर जाएं। फिर जब भूल बैठे जो नसीहत इन्हें हुई थी, तो हमने इन लोगों को बचा लिया जो बुराई से मना करते थे और जालमों को बुरे अजाब में गिरफ्तार कर लिया इनकी नाफरमानियों का बदला देने के लिए। फिर जब इन्होंने नेमत के हुक्म से सरकशी की तो हमने फरमा दिया कि तुम लोग दगाकार हो, बंदर हो जाओ। सूरत रऊफ रकू 21। दरस इसमें प्यारे दोस्तों हमें ये मिलता है कि अल्लाह ताला ने हमें जिन कामों से मना किया
जाहरी बात है अगर हम हुक्म की ना अदूली करेंगे जो इस वक्त हम कर रहे हैं।